पांच सूत्री मांगों को लेकर जनअधिकार पार्टी के द्वारा पूरे बिहार में एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी दौरान जनअधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव कुमार कन्हैया भी अपने मानपुर स्थित आवास पर उपवास रखा। इस दौरान राजीव कुमार कन्हैया ने कहा कि संपूर्ण क्रांति दिवस को लेकर आज जाप कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में उपवास का कार्यक्रम रखा है। हम मांग करते हैं कि कोरोना जैसी महामारी का निःशुल्क इलाज कराया जाए, वैक्सीनेशन की गति को तेज किया जाए, पप्पू यादव की अविलंब रिहाई की जाए, अस्पतालों में जो बदहाली है उसे व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, साथ ही कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को अविलंब मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी घातक महामारी के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर बिहार के सभी जिलों में कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलने का कार्य किया। स्वयं पप्पू यादव भी बिहार के विभिन्न अस्पतालों में गए और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को उजागर किया। इसी को लेकर एक साजिश के तहत उन पर मुकदमा कर जेल भेज दिया गया है। अगर पप्पू यादव को अविलंब रिहा नहीं किया जाता है तो जनअधिकार पार्टी पूरे बिहार में चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। बिटनोस बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर जनअधिकार पार्टी ने पूरे बिहार प्रदेश में राज्यव्यापी आंदोलन के तहत आज हम लोग सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखे हैं। मित्रों, इस उपवास कार्यक्रम के माध्यम से जनअधिकार पार्टी कुछ मुद्दे को लेकर आज आई है, जिसमें अस्पतालों की बदहाली के खिलाफ जो अस्पतालों के पूरे बिहार में स्थिति है आप लोगों से छिपा नहीं है। लगातार जनअधिकार पार्टी के कार्यकर्ता तमाम जिलों के तमाम प्रखंडों में जाकर वहाँ के स्थानीय अस्पतालों का दौरा करके और पूरे प्रदेश को रिपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि बिहार में पूरी तरह से अस्पतालों का जो स्थिति है बदतर हो गया है। दूसरा है, कोरोना मृतकों को अविलंब भुगतान देने का काम किया जाए, सरकार करे। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि लगातार घोषणा कर रही है सरकार कि अविलंब जो कोरोना में जो मृत हुए हैं उनको सरकार अनुदान राशि देगी, लेकिन स्थिति ऐसी है कि जिले में जिनकी पैरवी है, जो बड़े ओहदे पर है, जिनको मिलना चाहिए, जो गरीब को, जो मध्यम वर्गीय परिवार को उसका लाभ मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल रहा है। जनाधिकार पार्टी इस उपवास कार्यक्रम के माध्यम से मांग करता है कि अविलंब मुआवजा देने का काम करे सरकार। कोरोना आदि महामारी जैसे बीमारियों का निःशुल्क इलाज करे सरकार, ये भी मांग आज हम लोग इस उपवास कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं। और पूरे बिहार में वैक्सीनेशन को तेज करने का काम करे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बीमारी से बच सके। और पांचवा मांग है कि जनअधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के जन जन के नेता, गरीबों के मसीहा, आदरणीय पप्पू यादव को अविलंब रिहा करने का काम करे सरकार। तमाम बिंदुओं को लेकर आज जनअधिकार पार्टी बिहार के तमाम जिलों में हम लोग आज कार्यकर्ता अपने अपने आवास पर उपवास कार्यक्रम के तहत सरकार को चेतावनी देने आए कि अविलंब सरकार अगर नहीं चेतती है तो जनअधिकार पार्टी पूरे बिहार प्रदेश में इस उपवास कार्यक्रम के बाद चरणबद्ध आंदोलन चलाने का काम करेगी और सरकार को घेरने का काम करेगी। मित्रों, जिस तरह से सरकार की स्थिति है कि जो पप्पू यादव लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए थे और बेवजह के सरकार के नाकामियों को उजागर करने का काम कर रहे थे, एक रणनीति के तहत उनको गिरफ्तार करने का काम किया गया है और आज उनकी गिरफ्तारी अभी तक जारी है। केस बहुत बड़ा केस नहीं है, कितने अपराधी, दुर्दांत अपराधी आज जेल से बाहर है और पप्पू जैसे सेवादार को सरकार बंद करने का काम किया है। इसके खिलाफ तमाम बिहार के लोगों में आक्रोश है और लगातार पार्टी इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन चलाने का काम करेंगे। आगे भी हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।